सकते हैं। कहाँ जाए हम लोग? ये चेक कराने वाला है, देखिए मेरा आधार कार्ड पलट के भी दिखा रहे हैं। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। इस वक्त हम मौजूद हैं एशिया के सबसे बड़े कॉलोनी कंकड़बाग कॉलोनी में, जो कि ए ग्रेड कॉलोनी में भी आता है। लेकिन मेरे पीछे का दृश्य आप देख सकते हैं, ए ग्रेड आपको दिख नहीं रहा होगा, उसके बहुत से कारण हैं। हम धीरे धीरे करके कारण भी जानेंगे और क्या परेशानियाँ होती है यहाँ पर रहने वाले लोगों को, जो रोड के बगल में अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं, उनसे पूछेंगे कि किस तरह की परेशानियों का सामना भी उन्हें करना पड़ता है। अच्छा, कब से रहते हैं आप लोग यहाँ पर? 1980 से रहते हैं हम लोग, 1980 से हम लोग रह रहे हैं। अच्छा, कौन कौन सी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है? परेशानी तो यहाँ पानी एक माने कि कमर में पानी में डूब के रहे आज तक, लालू जी के समय से हम लोग रहे, लेकिन आज प्रेजेंट में ये नीतीश कुमार के राज में भी रहे आज 15-20 साल से, लेकिन इन्होंने अभी जब तक क्या क्या तकलीफ होता है आप शौचालय का, कल का और घर का और बच्चा के पढ़ाई का, बस पार्क में फिर भीड़ घेर दिया तो यह रोड पर भेज दिया। रोड पे हम लोग 3 दिन पे 2 दिन पे खाने का ऑर्डर नगर निगम वाला देते रहता है, तोड़ के चल जाता है, डंडा चलाता है। तो हम लोग आदमी नहीं है, जानवर है हम लोग। सरकार अपना जो जलम लेते हैं, हम जमीन खरीद लिए पूरा, हम लोग जमीन नहीं खरीदे, हम लोग लगे जमीन नहीं है। अरे कोई जगह दी है, लेकिन हम लोग सुरक्षित है कि हाँ ये जगह हो, बस हो, नहीं यहाँ बड़ी बाथरूम है, नहीं यहाँ कल है। हम लोग चंदा करके घर बेचो कल लगवाए, देखिए कल का स्थिति क्या, लेडीज उसमें नहा सकती है रोड पे, देखिए एक मारते शौचालय में। चलिए हम दिखाते हैं आपको शौचालय कैसा है स्थिति उसका, ना उसमें कल है, ना उसमें लाइट है, ना कुछ है। अच्छा, जब बरसात आती है तो कौन कौन सी समस्या पानी लग जाता है, तभी भी हम लोग दुकान में उस समय खड़ा रहते हैं। हम लोग पूछिए, चलिए दुकान वाला से हम लोग पूछाते हैं कि अवसर रहते हैं बाल बच्चा ले के हम लोग तनी तनी को, इतना हम लोग के समस्या है। घर के लिए बोल रहे हैं तो कोई सुनवाई है नहीं है, खाली पेपर में उठे कि घर मिलने वाला है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, यहाँ इससे पहले कोई मीडिया वाले आए? हाँ, मीडिया वाला आए थे, घर भी कबाड़ा है, तभी मीडिया वाला के हम लोग बोला है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। मन चिड़चिड़ाइल है, बहुत सा मीडिया पट्टी हो गया है, तभी मीडिया वाला के देखा है, कोई तो सुनवाई ना हो रहा है। शौचालय साफ नहीं कर सकते हैं नगर निगम, लेकिन घर तोड़ सकते हैं, दो ही दिन बीच कर करके घर तोड़ते हैं नगर निगम, लेकिन शौचालय साफ नहीं कर सकते। ऊपर से ऑर्डर आया, हम क्या करें, जहाँ जाना जाए कहाँ जाए हम लोग, ये जगह रहने वाला है, देखिए मेरा आधार कार्ड, ये पहचान। अच्छा, आप लोगों का आधार कार्ड है? आधार कार्ड वोट देते हम लोग 34 वार्ड के बबलू सिंह के, उसको भी बोलने जाते तो नहीं सुनता, कहता हम क्या करें। ऊपर से ऑर्डर डाले, जाओ तुम लोग ऊपर, देखिए मेरा आधार कार्ड, ठीक है देखिए पलट के भी दिखा रहे हैं, यही के सबका आधार यही देखिए। कोई कदम नहीं उठाया जाता नहीं। या फिर दबा दिया जाता? नहीं, बहुत हुआ, हाई कोर्ट तक के ये जमीन के लिए केस भी हुआ, फिर भी केस को दबा गया और ये घर तोड़ने के लिए अलाउ कर दिया गया, यहाँ कोई सुनवाई नहीं कि रोक लगे कि हाँ ये गरीब लोग यहाँ रहे। आधार कार्ड है, कहूँ का नहीं है, सबके एजे का देखिए, सबका यही का है। आप जाँच कीजिए, पताल कीजिए, तब उसके बाद जगह दीजिए सबके। अच्छा, तो पढ़ाई लिखाई का क्या है, बच्चे पढ़ते हैं? हाँ, बच्चे पढ़े जाते हैं आंगनबाड़ी है, एक मैडम यहाँ आती है वो पढ़ाती है सब बच्चे लोग के, रघुनाथ स्कूल में नाम लिखाया है, वो बच्चे लोग जाती है, यदि 15-20 बच्चा पढ़ता है यहाँ से जाता है। मतलब ये जिम्मेवारी किसी सरकार द्वारा उठाया गया है या फिर किसी ने अपने दिल से उठाया है? ये मैडम उठाई है तब जाता है बच्चा, मतलब इसमें भी सरकार का कोई मदद नहीं? कोई न मदद, कोई मदद सरकार के स्कूल भेजने में नहीं है। ये मैडम आती है यहाँ बच्चे लोग को पढ़ाती है, यही लोग रघुनाथ बच्चे लोग के नाम लिखाई है, जबरदस्ती नाम लिखाई नहीं लिख रहा था, तो जबरदस्ती करके मैडम वहाँ रो दी थी हम लोग के कारण, रो दी थी मैडम, वही मैडम नाम लिखाई तो 10-15 बच्चा। नाम क्या है उनका? हाँ? नाम दीपा मैडम, दीपा मैम। कहाँ की रहने वाली है? अशोक नगर के रहने वाली है, प्रिंसिपल है, कहीं के प्रिंसिपल है। हाँ, बोल रहे हैं। अच्छा, मतलब वो यहाँ की हालत देखकर अपने मन से दिल से यहाँ पर पढ़ाती हैं, सरकार का कोई यहाँ पे नहीं पब्लिक की तरह, वो रोड के पब्लिक की तरह मैडम है, आते जाते मैं बच्चा के पढ़ाने लगी, उनको झोपड़ी में दिल लग गया, बच्चा लोग के लाइक बना दिए हैं और स्कूल में भी नाम लिखा दिए हैं। हम लोग के माता पिता दादी सब पैदाइशी हम लोग यहीं रह गए।
चंदा करके हम लोग घर पीछे कल अपना से लगवाए हैं भैया। मतलब वो कल आपके तरफ से लगाया गया, उसमें भी सरकार का कोई नहीं, नहीं, हम लोग अपना चैम्बर फोड़वाए वहाँ से फोड़वा कर चंदा करके कल लगवाए। अच्छा, कल आप लोगों ने लगवाया, और जो शिक्षा का व्यवस्था है वो भी किसी आम नागरिक के द्वारा है, और सरकार की तरफ से बस एक काम करा जाता है कि आवास उखाड़ दिया जाता है, तोड़ना है। मात्र उनका काम रह गया है दो दिन बीच करके घर तोड़ देना है बस। मदद कोई नहीं है उनके तरफ? नहीं, कोई नहीं है। सामान भी उठा के ले जाता, ढड्डी बांस ढड़िया। हम लोग नगर निगम में जाते हैं बोलने के लिए, कहते तुम लोग के जो ठीका लिया है बपौती है, ए गार्ड जी निकालो डंडा, लोग को खेदो तो। कौन बोलता? नगर निगम के आदमी लोग बोलता है कि निकालो खेदो, ये लोग के खेदो, कोई सुनवाई नहीं है, जाओ डीएम के पास जाओ, डीएम के पास जाओ। अब देख सकते, सबसे पहले वहाँ का वो व्यवस्था देखिए जो कल है वहाँ पर, वहाँ लड़कियाँ नहाती हैं और रोड के बगल में ही है, और वो कल भी सरकार द्वारा नहीं, यहीं के लोगों द्वारा बनाया गया है पैसा इकट्ठा करके। और हमारे पीछे आप शौचालय भी आपको दिखाएंगे, और साथ में हमारे पीछे एक स्कूल देख सकते हैं जहां पर बच्चों को पढ़ाया जाता है, यह भी सरकार द्वारा कोई ये कदम नहीं उठाया गया है, यह कदम उठाया गया है यहां के ही एक आम नागरिक द्वारा। बच्चों को पढ़ाया जाता है, यह भी सरकार द्वारा कोई ये कदम नहीं उठाया गया है, यह कदम उठाया गया है यहाँ के ही एक आम नागरिक द्वारा। तो इन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता है और वहाँ के सिक्योरिटीज़ द्वारा इन्हें निकाल दिया जाता है, ऐसा इनका कहना है। तो आप देख सकते हैं कि पूरे भारत के ए ग्रेड और एशिया के सबसे बड़े कॉलोनी कंकड़बाग कॉलोनी में, जिसे ए ग्रेड कॉलोनी भी कहा जाता है, यहाँ पर पाटलिपुत्र स्टेडियम के बगल में हम स्थित हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसी स्थिति बनी हुई है, जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें एक न्यूज़ 24। मैं नंदन, कैमरामैन पिंटू के साथ, धन्यवाद।